Assalamualaikum, good morning students. How are you all? I hope you are all good and enjoying your studies at home. Dear students, I am your Urdu teacher. Tell me, what's the day today? Yes, and what's the day? All right. Okay, dear students, which period is this? Urdu period. Which period is this? Urdu period. Which period is this? Urdu period. Dear students, हमने नर्सरी में हरूफ की फ्रेंडशिप करवाई थी. आपको मैंने बताया था कि जब हरूफ अलिफ जैसे बे है उसकी फ्रेंडशिप अलिफ के साथ करवा दी तो वो बे अलिफ ब यानी कि ब अ ब बन गया ब अ ब. तो उसको हमने ब ब बोला है, ब अलिफ नहीं बोला क्योंकि वो फ्रेंड्स बन गए थे तो उनको जोड़ के आपने बोलना है एक ही साउंड यानी कि ब. ठीक है, ऐसे ही हमने बाकी तमाम हरूफ की फ्रेंडशिप करवाते गए और दो हरफी और सह हरफी अल्फाज बनाते गए. अब हमने क्या किया, उनकी मदद से मजीद हमने अल्फाज उन अरकान को लेकर मजीद हमने लफ्ज बनाए. ठीक है बेटा, आज का हमारा जो उनवान है वो है सफा नंबर 17. बुक रीडिंग जो हम करते हैं बुक की, उसमें हमारी एक्टिविटीज भी होती है ना, तो आज हम सफा नंबर 17 की एक एक्टिविटी करेंगे. बोर्ड को फोकस करें, सफा नंबर 17 की एक्टिविटी आज मैं आपको करवाऊंगी और उनवान को फोकस कीजिए. दिए गए अरकान की मदद से अल्फाज बनाएं. दिए गए अरकान की मदद से अल्फाज बनाएं. अरकान ये है, इनको इनके साथ मिलाकर हमने लफ्ज बनाने हैं. दोबारा देखिए, दिए गए अरकान की मदद से अल्फाज बनाएं यानी के र उ रु ग उ गु क उ कु. यानी कि ये आपने बाउ नहीं ना बोलना, फ्रेंडशिप करवा दिया तो ये उ की साउंड आएगी ब उ बु च उ चु. अब आप ये देखें कि जो ये लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे आप, टेचो डेटी नहीं, इनकी हमने ट की और ई की फ्रेंडशिप करवाई तो ये बन गया टी. जब आपको पता है कि ये फ्रेंडशिप वाले हरूफ हैं, फ्रेंडशिप फ्रेंड्स हैं, तो आपने इनको टे छोटी टी रेवर नो दिस इज रॉन्ग, आपने इसे नहीं बोलना. आपने बोलना है र उ रु बन गया रो टी गो टी को टी वो टी चो टी, क्योंकि आपने इनके फ्रेंडशिप के बाद इनको एक ही नाम देना है कि ये फ्रेंड्स है. अब मैं लिखती हूँ जैसे रोटी, मैं तोड़ के नहीं बोलूंगी क्योंकि हमने इनकी फ्रेंडशिप करवा दी हुई है और दिए गए अरकान की मदद से हमने नया लफ्ज बना लिया है. ऐसे ही आपने ये एक्टिविटी करनी है और जब आप सफा नंबर 17 पे नीचे देखेंगे तो एक और एक्टिविटी है जो के ले की है यानी के ल की ए से, ल की ए से फ्रेंडशिप करवाई तो ले बन गया जी. और ये क्या है ना, आपको ये क्या है प अ प त अ त ज अ ज, यानी कि अलिफ नहीं बोलना. फ्रेंडशिप होने के बाद हमने उसकी साउंड बोलनी है जैसे आ बा पा चा ज, काफी फ्रेंडशिप करवाई तो क, बे की फ्रेंडशिप करवाई तो ब. ठीक है बेटा, अब जब आपने इसको इससे मिलाना है तो लामड़िया ले नहीं बोलना, आपने बोलना है पा ले क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप होगी अपनी ले है और ये पा है पा ले. आपने यहाँ पे लफ्ज बना के लिख देना पा ले. ऐसे ही आपने ये सारी एक्टिविटी अपनी बुक के सफा नंबर 17 यानी के 17 पर करनी है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि सफा नंबर 17 के साथ मैंने सफा नंबर 28 लिखा हुआ है यानी कि इस पे आज हम रीडिंग करेंगे. आपको पता है मैंने जैसे पहले आपको रीडिंग करवाते हुए बताया था बेटा कि अलिफ जो होता है उसके साथ हम जखीरा अल्फाज यानी कि वोकैबुलरी बनाते हैं, कि अलिफ के साथ अंगूर बनता है, अलिफ के साथ मुख्तलिफ जो अल्फाज हम बना सकते हैं. उसके बाद आता है बे, बे के हमने जखीरा अल्फाज किए पे, पे के जखीरा अल्फाज किए अली बे पे, पे के बाद क्या आता है आप बताएं मुझे. जी बिल्कुल ठीक, ते, और ते के बाद क्या आता है टे, बिल्कुल ठीक. आज हम करेंगे टे के ज़खीरा अल्फाज और उसके लिए आप बुक का पेज देख सकते हैं, ये बुक का पेज नंबर 28 यानी कि 28 है और हम टे की वोकैबुलरी ज़खीरा अल्फाज उनके तोड़ करके और जोड़ करके पढ़ेंगे और देख सकते हैं. और देखिए जैसे ये बुक का पेज है ऐसे ही मैंने पूरा बोर्ड व्हाइट बोर्ड आपके लिए रेडी किया है, वैसे ही आपके लिए पिक्चर्स लगाई है ताकि लर्निंग में आपको आसानी हो सके. लेट्स स्टार्ट टे. आपको पता है जैसे कि इसको हम टे कहते हैं हरूफ तर्जी में और इनकी ये दोनों छोटी अशकाल हैं टे और इनको हम ट बोलते हैं.
टे से हम स्टार्ट करते हैं, टे ट्रक, टेरे का ट्रक, टेरे का ट्रक, टेरे का ट्रक। टेलीफोन, जी बातें करते हैं हम टेलीफोन पे। टे पढ़िए, टै लाम छोटी है ली, टैली फेवोमोफोन, टेलीफोन। टे पढ़िए, टै लाम छोटी है ली, टैली फेवोमोफोन, टेलीफोन। टे पढ़िए, टै लाम छोटी है ली, टैली फेवोमोफोन, टेलीफोन। नेक्स्ट वर्ड टोपी, कैप यानी कि जो आप पहनते हैं। टे व टो पे छोटी पी टोपी, टे व टो पे छोटी पी टोपी, टे व टो पे छोटी पी टोपी। नीचे देखिए कौन सी पिक्चर है, कार्टून देखते हैं इस पे आप सब। टेलीविजन, टे पढ़िए टे नाम छोटी है जी टेली, वॉय भी बहुत छोटी है भी जेनुजन विजन। टे पढ़िए टे नाम छोटी है जी टेली, बहुत छोटी है भी जेनुजन विजन। टे पढ़िए टे नाम छोटी है टेली, बहुत छोटी भी जेनुजन टेलीविजन। टमाटर जो कि मम्मा सब्जियों में डालती हैं पकाते हुए, खाना पकाते हुए और डिफरेंट डिशेज में। टमाटर टे मी मलिक मा टमाटर, टमाटर टे मी मलिक मा टमाटर, टमाटर टे मी मलिक मा टमाटर, टमाटर। और लास्ट वर्ड है टोकरी, जिसमें आप अपने फ्रूट्स भी रख सकते हैं, वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं। टे वॉटो काफ्रिकर छोटी है टोकरी, टेवटो काफ्रिकर छोटी है टोकरी, टेवटो काफ्रिकर छोटी है टोकरी। डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपकी लर्निंग के बाद आप बुक पेज नंबर सफा नंबर 28 पर अगर देखें तो नीचे एक लाइन राइट की हुई है, इसको हम जुमला बोलते हैं, यानी कि एक पूरी लाइन जिसमें अल्फाज को फ्रेंडशिप वाले हरूफ के साथ मिला के मुकम्मल एक लफ्ज बना के जुमला बनाया जाता है। टोकरी में टमाटर है, टोकरी में टमाटर है, टोकरी में टमाटर है। डियर स्टूडेंट्स, बुक पैटर्न आपको पता है, बुक रीडिंग से पहले या कोई भी एक्टिविटी बुक की करने से पहले ऊपर आपने डेट राइट करनी है, तारीख लिखनी है, जमात का काम जीम का काम, और फिर उसके बाद आपने दिन लिखना है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।